बात करूं तो ये दीप प्रज्वलन हो रहा है, और आज इस कृत्रिमता के दौर में ये दीपक भी कृत्रिम मिल जाएंगे, जो बिल्कुल दूर से देखने में दीपक ही महसूस होंगे, लेकिन इस दीपक का प्रभाव है कि इसकी जो अग्नि जल रही है वो ये कहती है कि अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्यो मा मृतंगम्य। लेकिन इस कृत्रिम बुद्धिमता के दौर में हम कहेंगे इंसानो मा मशीन गम्य, विकासो मा विनाश गम्य, अमृतो मा जहर गम्य। क्योंकि कृत्रिम बुद्धि के विकास में मशीनों की बुद्धि बढ़ जाएगी, और जब मशीनों की बुद्धि बढ़ जाएगी और मशीनों का राज हो जाएगा, तो महोदय जरा सोचिए, इंसान की समझ, जिसने खुद मशीन को बनाया, जो खुद मशीन का भगवान है, उसकी समझ को तो जंग लग जाएगा। और जब जंग लग जाएगा तो रेगमाल घिसने के लिए मशीन का इस्तेमाल करेगा। अब सोचिए सोचिए, जिसको उसने बनाया जब उसी के ऊपर निर्भर हो जाएगा, तो सोचिए हालत क्या होगा। और हमारे देश का एक विधान है कि बच्चे को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको स्वतः निर्भर बनाया जाता है, दूसरों पर निर्भरता खत्म की जाती है। और हमारे शिक्षक भी इसी बात का हमें प्रमाण देते हैं कि आप अपने अंदर अपनी योग्यता विकसित कीजिए, किसी और पर क्यों निर्भर रहिए। मैं जानता हूं महोदय कि तकनीक के साथ चलना अनिवार्य है, मेरे विपक्षी मित्र भी इसी बात की वकालत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भली भांति जानता हूं कि समय के साथ नहीं चले, समय आपको छोड़ देगा। लेकिन महोदय यहां बात कृत्रिम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, बुद्धि। तो बुद्धि को कृत्रिम का गुलाम मत कीजिए, कृत्रिम को बुद्धि का गुलाम कीजिए। मेरे एक विपक्षी मित्र ने अभी एक एग्जांपल दिया कि जब कृत्रिम बुद्धि का विकास होगा तो सीमाओं पर जवानों की तैनाती में मशीनों को खड़ा करेंगे, गोली लगेगी तो मशीनों को लगेगी। महोदय, जब हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो इस बात की यदि आप गारंटी दें कि वो मशीन जो हैक नहीं होगी, तो मैं समझ सकता हूं कि सीमाओं पर सेना की जवानों की जगह मशीनों की तैनाती कर दी जाए। और महोदय एक बात महसूस कीजिए जरा, कि जब एक माँ बाप अपने बेटे का राह तकते हैं और उनका बेटा अपने हाथों से उनके पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है, तो उसका एहसास अलग ही होता है। लेकिन यही काम जब मशीन करेगी, तो आप खुद सोचिए महोदय इंसान की फितरत क्या होगी। और इतना ही नहीं महोदय, यह किस्सा बहुत अजीब है कि किस ओर चले थे, किस ओर हो गए हम, बस अपने आप में। मेरे मित्रों ने बताया, मुझे ऐसा लगा कि अभी ऊपर से बमबारी होने वाली है और धड़ाम 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 बम गिरने वाला है और हम सब समाप्त हो जाने वाले हैं। एकदम से मुझे ऐसा आभास हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसे तो गिनवाया, क्योंकि एक पक्ष गिनवा देने से दूसरा पक्ष साबित नहीं होता मेरे मित्र, दूसरा पक्ष होता है, इसीलिए मैं विपक्ष में खड़ा हूं। जब मैंने ये विशेष पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पक्ष में बोलना चाहिए कि हाँ, कृत्रिम बुद्धि का विकास वास्तव में हानिकारक है मानव जाति के लिए। किंतु मैंने सोचा कि इसका दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। जब मैंने दूसरा पक्ष देखा तो तुरंत नेताओं की तरह पलटी मार के विपक्ष में आ गया, और मैंने सोचा कि विपक्ष में अपनी बात कहता हूं। और मेरे मित्र, अब मैं विपक्ष में अपनी बात कहता हूं तो आपको बताता हूं, कृत्रिम बुद्धि विकास गूंगों की जुबान है। कृत्रिम बुद्धि विकास जिनके पास हाथ नहीं उनके हाथ है, कृत्रिम बुद्धि विकास जिनके पास पैर नहीं उनके पैर है, कृत्रिम बुद्धि विकास हर वो जबान है जो आपके पास जन जन तक पहुंचती है। लेकिन ये मेरे मित्र केवल एक ही पक्ष देख के कहते हैं कि ये गलत है। मेरे भाई एक बात बताना, आप यहां उड़कर आए थे, आप जिस माध्यम से आए हो वो भी कृत्रिम माल करके वहां तक आखिरी व्यक्ति तक अगर अपनी बात पहुंचा रहे हो ना, तो भी कृत्रिम बुद्धि विकास के कारण ही हो पा रहा है। लेकिन क्या करें, आप लोग केवल सीमित रहते हो, और पता है क्या कहते हो कि जितना हमने देखा उतना ही सत्य है, और जो हम बोलते हैं केवल वही सत्य है। अरे यार, दूसरा सत्य तो देख लिया करो। कल जब इसका उद्घाटन हुआ इस कार्यक्रम का, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टर चलाया गया। इस प्रोजेक्टर में जितनी SBS कॉलेज की खूबियां हैं सब गिनवाई गई। किसके द्वारा वो संपन्न हो सका, किसके द्वारा? कृत्रिम बुद्धि विकास के द्वारा। तो एंड हार्ट बीट्स ऑफ पेशेंट्स विद पेसमेकर इम्प्लांट्स जस्ट विद अ टैप ऑन द स्क्रीन। Thus, in the wrong hands, these technologies can be as deadly as the atomic bombings in Hiroshima and Nagasaki. A very good morning to the entire house, respected jury, dignitaries, my worthy opponents, and the audience. From the time this debate has started, many would have walked in and out of Burj Khalifa in a hope to get their citizenships confirmed.
while Saudi Arabia became the first country to grant a citizenship to a robot named Sophia in year 2017, who, when prompted by its creator David Hanson in a live interview, said that yes, it would destroy the humans. Many researchers roll their eyes as they read the headline that Stephen Hawking warned the world about AI being a disaster for mankind. Yes, I agree, because AI has a potential to turn more smarter than any other human. The best example may be our own evolution. We humans control the planet, not because we are strongest, fastest, or biggest, but because we are the smartest. So if we are no longer smartest, how are we assured to remain in control? As AI taking its roots deeper and deeper with every passing day, from our social life to ocean, from medical sports to climate change, from law to terrorism, from terrorism to war, from war to an end. I would also like to say that AI software market revenues are reported to increase by $5.3 billion in just 1 year from 2018 to 19. I would like to repeat, in just 1 year. Wherein the global growth rate of AI market in 2019 was reported to increase by 154%. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका मतलब ये है कि हम इंसान की सोचने की शक्ति, भावनाएं या कहूँ कि इंसानी विवेक हम मशीनों में डालते हैं। इसे अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो गरीब कर्मचारियों एवं मजदूरों को काम से निकालकर उनकी जगह इन मशीनों को दे दें, जिससे होगा ये कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, क्योंकि अब उसे बेहद कम कर्मचारियों को वेतन तो देना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो ये मशीनें कर लेंगी, फिर कर्मचारियों की क्या जरूरत है। अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि दुनिया में, खासकर विकसित देशों में, 60,000 से अधिक कर्मचारियों को काम से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि उनका काम अभी मशीनें करेंगी। और ये आंकड़ा घटता नहीं, घटता ही दिखाई दे रहा है। और मेरे विपक्षी मित्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानव जीवन को कोई हानि पहुंचाते नहीं दिखेगा। माननीय, यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर उसी तकनीक के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है तो उसके फायदे नुकसान में गिने जाएंगे। माननीय, और मेरे विपक्षी मित्र शायद यह भूल रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास बुद्धि तो है, पर वो इंसान की बनाई हुई सीमित बुद्धि है, नकली बुद्धि है, जिसकी अपनी कोई कल्पना नहीं है, जो सही और गलत का फैसला लेने में असमर्थ है। मान्यवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनों के पास जटिल एवं संवेदनशील परिस्थितियों को समझने, बारीकियों को समझने की क्षमता नहीं है। मान्यवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए ये मशीनें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नैतिक प्रश्नों पर भी फैसला लेने लगेंगी, जो कि मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित करता है। मान्यवर, सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का भी ये मानना था कि मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास क्रम का परिणाम है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर सकता। और इसे लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या यह निष्पक्षता से काम करेगा? यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कलन विधि यानी एल्गोरिथम को जिस प्रकार प्रशिक्षित किया गया वह किसी निष्पक्ष पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं होगी? तब क्या होगा यदि कोई जानबूझकर या अन्य किसी प्रकार से किसी उपयोगकर्ता या किसी मशहूर हस्ती की निजी जानकारी में प्रवेश करने में सफल हो जाए? किसी व्यक्ति के ऑनलाइन गतिविधियों के डेटा तक अवैध पहुंच की संभावना के मद्देनजर देखें तो यह निजता के अधिकार के लिए भी जोखिम की स्थिति तैयार करता है। सुरक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली कार या हमलावर रोबोट के साथ असावधानी बरतता है तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। यह रोबोट भावुकता से काम नहीं करेंगे, भले ही वो ऊबर से चलने वाली स्वचालित गाड़ियां हो या हैंसम रोबोटिक्स द्वारा बनाई गई सोफिया, जिसने 2017 में एक बातचीत में व्यंग में ही सही, मजाक में ही सही इंसानों के खात्मे की बात की थी। और मेरी तो यह सोच कर ही रूह कांप उठती है, मशीन के अंदर ऐसे क्या ला सकते हैं? मान्यवर, हम सोफिया जैसी अनेक मशीनों के अंदर वो हर चीज डाल लें जिसकी एक इंसान को आवश्यकता होती है, और ये सब चीजें डालकर हम इन मशीनों को इंसानों से बेहतर बना रहे हैं, और इन्हें बेहतर बनाकर हम अपने लिए ही कब्र खोद रहे हैं जिसमें हमारा जाना सुनिश्चित है। और वो दिन दूर नहीं जब इंसान की बनाई हुई मशीनें ही इंसान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगेंगी, जैसे हम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। इसे मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो गधों की दौड़ में जीत कर सबसे आगे आकर गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बन जाता। और मेरे तमाम विपक्षी मित्र कल से तकनीक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता बता के श्रोता को भ्रमित कर रहे हैं। कोई माइक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता बताता है तो कोई बस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता बताता है। मान्यवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बताता है कोई ताजमहल, लाल किला, शीश महल, उस टाइम के तो नक्शे बनते थे, क्या ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से बने हैं? मान्यवर, हम अधिक बुद्धिमान सुधीरस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास कर रहे हैं, जो इंसानी दिमाग के स्यानु यानी न्यूरॉन से 200 गुना अधिक चीज से संचार करता है।
जो अपने आप से या अपने आसपास की मशीनों से संकेत बंद भाषा में बात कर सकता है और इसके परिणाम ना जाने क्या क्या हो सकते हैं। मैं इसी के चलते अपने विपक्षी मित्र से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तब क्या होगा यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनें झूठ बोलना सीख गई? तब क्या होगा अगर ये मशीनें अपने आप से हथियार बनाना और उन्हें चलाना सीख गई? तब क्या होगा अगर ये कलन विधि किसी गलत हाथों में चली गई? मान्यवर, तब क्या होगा अगर ये मशीनें इंसान के प्रति मतलब ही क्रोधी और विद्रोही बन गई? मान्यवर, और इस बात पे भी कोई दुराई नहीं है कि इन नई नई तकनीकों के चलते हमारे अंदर आलस आ गया जो हमें हमारा दिमाग चलाने या उस पर जोर देने का मौका ही नहीं देती, जिससे सिर्फ हम पे नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा जो बचपन से ही मशीनों पर निर्भर रहेंगे। मान्यवर, मैं कोई तकनीक विरोधी नहीं, लेकिन जो तकनीक हमारी स्वामी बन बैठे मैं उसका विरोधी हूँ। आज हम अपनी ही बनाई मशीनों के आगे मजबूर से होकर रह गए, मैं उसका विरोधी हूँ। मानव मशीन बना रहा है, मशीन को मानव बनाने हेतु हम मानव मशीनों के ही गुलाम होते जा रहे हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। मान्यवर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई लाभ तो नहीं पर आने वाले समय में हानि ही हानि जरूर पहुंचाती दिखाई दे रही है। मनुष्य जीवन का आखिरी आविष्कार अगर कोई होगा तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसका विकास और इसका बहिष्कार करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। मान्यवर, मैं तुम्हें जाते जाते यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन सर्वशक्ति संपन्न मशीन अगर कोई है तो वो है मानव शरीर। इससे बेहतर मशीन ना तो कोई बनी है ना तो कभी बनेगी। निज को तू जान जरा अपनी शक्ति पहचान, निज को तू जान जरा अपनी शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान, मनुष्य तू बड़ा महान। गुरु बुद्धि ने गूगल और हार्डवेयर जैसी ऐसी तकनीक बना दी जिससे हमें पूर्व आभास हो रहा है कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो मेरी नजर में तो मान्यवर कृत्रिम बुद्धि ने उस माँ के आंसू पोंछे हैं और उन जान से गए धड़ रोके हैं। पूछना चाहूंगा अपने बख्शी मित्रों से कि क्या उन्हें उस माँ के आंसू दिख नहीं रहे या इन्हें उनकी लाशें देखने में मजा आ रहा है। मान्यवर, बताना चाहूंगा कि मुझे वो समय याद आता है 1980 का समय जब मान्यवर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। मान्यवर, उस समय भी मेरे यही काबिल मित्र उसकी आलोचनाएं कर रहे थे, परंतु उसके बावजूद भी उसका छोटा कारोबार जेब में लिए फिरते हैं। मान्यवर, ये तो वही बात हो गई, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मान्यवर, पूछना चाहूंगा अपने पक्षी मित्रों से, ये बार बार कह रहे थे अभी कि मनुष्य तू बड़ा महान, मनुष्य तू बड़ा महान, तो भैया मैंने कहां कह दिया कि मेरा मनुष्य महान नहीं है? भैया, आप सदन की गंभीरता ही नहीं समझ पाए, क्योंकि विषय का नाम तो ये था कि कृत्रिम बुद्धि का मानव जाति पर क्या असर है, वो लाभदायक है या नुकसान है। मेरा मनुष्य तो महान है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, परंतु बात यहाँ उस चीज की हो रही है कि कृत्रिम बुद्धि ने मानवता का जीवन जटिलता से सरलता में तब्दील कर दिया। इसी बात को 2018 में डॉक्टर के फुल्ली ने भी कह दिया कि ये कृत्रिम बुद्धि इस देश में, इस दुनिया में, जमाने में, संसार में एक ऐसी परिवर्तन लाएगा जो परिवर्तन बिजली उत्पाद से भी बड़ा होगा, बिजली उत्पाद से भी बड़ा होगा। मान्यवर, आखिरी में मैं इनसे एक बात ये कहूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, अगर ये आज यहाँ जीत जाते हैं तो इन्हें कोई हक नहीं है उस प्रकार को स्वीकार करने का, क्योंकि मेरी नजर में ये जो आज यहाँ खड़े हैं बुद्धि के बाबत खड़े हैं, और अगर ये उसके बावजूद यहाँ से पुरस्कार स्वीकार करते हैं तो मान्यवर ये अपना ही अपने दिल को संतुष्टि कभी नहीं दे पाएंगे। और एक बात कहूंगा कि जिस समाज में तुम रहते हो यदि उसकी तुम एक शक्ति हो, उसकी ललकारों में ललकार हो, उसकी दो भुजाओं में भुजा तुम्हारी, आंखों में तो आंख तुम्हारी, चरणों में तो चरण तुम्हारे, तो आप उस जीवन के प्रतीक हो। जय हिंद, जय हो। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने एक सैन्य यंत्र को बनाया जिसका काम था कि लक्ष्य को पहचान कर उसको गोली मारे, किंतु न जाने उसकी समझ कहां तक सीमित रह गई और वो अपने ही 9 सैनिकों को दुश्मन मानकर गोलियों से भून बैठा। बात जब तक यहां थी फिर थोड़ी समझ आई, लेकिन हब तो यहां हो गई जब एक यंत्र मानव ने एक कर्मचारी की जान तो ली ही, साथ ही साथ अपने संक्रमक से उसके उस वारदात को इस तरीके से मिटा दिया जैसे कि एक कातिल अपने सबूत मिटा दे। अब एक कातिल इंसान होता तो उसको कटघरे में खड़ा कर कर मैं उससे पूछ भी लेता कि सत्य क्या है, पर यहां तो बात है यंत्र मानव की और कृत्रिम बुद्धि, और ये दोनों चीजें तो फिलहाल के लिए कानून और कचहरी से बहुत दूर हैं। अब इसमें विपक्ष ही बताए कि यहां वो विफल हुई
वो विफल हुई कृत्रिम बुद्धि है या फिर वो मानवीय बुद्धि जिसने अपने आप से ज्यादा भरोसा एक ऐसी चीज पर किया जिसका ना तो दिमाग है, ना समझ है और ना ही सही गलत की पहचान। यदि आप लोग एक ऐसे आविष्कार को चाहते थे जो आपके दिमागों को फिर से स्थापित कर सके, यदि आप लोग एक ऐसा समाज चाहते थे जहां पर इंसान विचलित रहे, इंसान अलग थलग रहे और इंसान उलझा रहे, यदि आप लोग हमारी गहरी सोच की क्षमता और सामाजिक शिक्षाचारों को फिर से परिभाषित करना चाहते थे तो बधाई हो आपको, क्योंकि मेरे प्रतिभागी अभी आपके सामने कुछ ऐसे ही आविष्कारों और कुछ ऐसी ही गतिविधियों का गुणगान करेंगे जिनको बनाया तो इंसान ने अपने दिमाग से किंतु बनाने के बाद वो खुद उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। मानव जाति के जीवन के लिए तीन सबसे आवश्यक चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों को गौरव से हासिल करने का एकमात्र तरीका रोजगार। किंतु ये लालच और अलस्य में डूबा हुआ प्राणी न जाने इस आधुनिकता को कहां लेकर जाना चाहता है, न जाने इस मानव जाति को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है जहां पर उसी के द्वारा बनाई गई ये यंत्र उसी के पेट पर लात मार दे और उसी से उसके रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को छीन ले। और ऐसे में मेरे प्रतिभागी चाहते हैं कि वो लाचार पड़ा इंसान अपने कमरे में बैठकर एक ताली और एक चुटकी से बत्तियां जलने का इंतजार करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण मानव जाति को केवल और केवल कर्म करने को कह रहे हैं, किंतु यहां पे मेरे प्रतिभागी का मानना है कि मानव जाति का तो उद्धार ही तभी होगा जब वह कर्म रहित हो जाए। कहा गया है कि तकनीक को एक अच्छा गुलाम माना जाता है लेकिन एक भयानक गुरु भी। और कृत्रिम बुद्धि तो वो आविष्कार है जो मनुष्य के दिमाग पर ताले लगा दे और साथ ही साथ स्वयं को इस पूरे मानव जाति का सरदार बना दे। भारत के एक महान गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सबसे बड़ी ताकत विचार की शक्ति से प्राप्त होती है। विचार की शक्ति मौन रहकर भी दूर तक लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह पूरा ब्रह्मांड एक मकड़ी का जाल है और इंसानी दिमाग, गौर फरमाइए देवियों और सज्जनों, मनुष्य का दिमाग ही वो एक मकड़ी है जिसने इस पूरे जाल को बुना है, इस पूरे जाल का भ्रमण किया है और आगे भी इसका भ्रमण कर रही हूं। ना ही मैं चाहता हूं कि मानव जाति फिर से गुफाओं में पहुंच जाए, किंतु यह सत्य है कि जब तक हमें किसी चीज का उपयोग करना नहीं आता हमें उस चीज को छूना भी नहीं चाहिए। भारत जैसा देश जहां पे इंटरनेट मुफ्त में बांटा गया, वहां पे आज भी कोई विद्रोह हो या कोई बगावत हो, कोई आंदोलन हो, तो सबसे पहला कदम उठाया जाता है इंटरनेट को बंद करना, क्योंकि लोगों को इंटरनेट हाथों में दे तो दिया गया किंतु उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है यह किसी को नहीं पता। और इसीलिए ये कृत्रिम बुद्धि का बढ़ता हुआ विकास इस वक्त मानव जाति अपनाने को तैयार नहीं है और इस वक्त ये मानव जाति के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है और आगे भी होगा। जब तक इसकी समझ नहीं आती तब तक कृत्रिम बुद्धि का विकास मानव जाति के लिए हानिकारक रहेगा। धन्यवाद। क्रमांक नंबर 29 इस विषय के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस विषय पर आपने विवाद करने में थोड़ी देर नहीं करती जनाब, क्योंकि कृत्रिम बुद्धि तो हमारे विकास का कारण बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धि और मानव बुद्धि दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि दिखाई तो हमें एक आंख से भी दे जाता है परंतु बेहतर दृष्टि के लिए हमें आवश्यकता तो दोनों आंखों की पड़ती है ना। मानव बुद्धि मनुष्य का प्रमुख गुण है और हमारी सभ्यता में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं वे इस मानव बुद्धि का ही तो कारण है। चाहे एक पहिए का आविष्कार ले लो, चाहे अनाज उपजाने का आविष्कार ले लो, चाहे मोटर का आविष्कार, चाहे इंजन का आविष्कार, इन सब के पीछे मानव बुद्धि ही तो है। दौर करो इस दौर, मानवता के अभिमान का कर्ज चुकाएगा आखिर कौन। जब कभी मानव जाति के विकास के संदर्भ में सभ्यता एवं संस्कृति की बात होती है तो तार्किक क्षण से हम देखते हैं किस प्रकार सभ्यता एवं संस्कृतियों ने मानवता को उस दौर में भी जीवित रखा था जब मानवों का संबंध संसाधनों से बेहद सीमित एवं ना के बराबर था। तो सभ्यताओं ने मानवता को बहुत अरसे से सहेज एवं समेट कर रखा है। विपक्षी वक्ताओं के सुघोषित युद्ध में मैं यंत्रों की प्राधीनता के स्थान पर मानवीय चिंतन एवं संवेदना तथा कृत्रिम बुद्धि के स्थान पर मानव जाति के अस्तित्व का चयन करते हुए मैं माननीय सभापति महोदय के आज्ञा से सदन के मत कृत्रिम बुद्धि का विकास मानव जाति के लिए हानिकारक है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय, बड़े ही सरलता के साथ मेरे विपक्षी वक्ताओं ने कृत्रिम बुद्धि के हजारों फायदों को गिना दिया
परंतु वो जिस नींद में ये सपना देख रहे हैं वो नींद भी झूठी है और उनका सपना धरातल की ठोस सच्चाइयों से कोसों दूर है। महोदय, आज आवश्यकता ये है कि हम कृत्रिम बुद्धि को विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं दार्शनिक इकाइयों से समायोजित करके देखें कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धि मानव जाति के लिए हानिकारक एवं विध्वंसक है। महोदय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय हुआ उसमें अलग अलग समय पर एक मजबूत इकाइयों के तौर पर स्वयं को स्थापित कर लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में हम देख चुके हैं परस्पर मतभेद एवं राष्ट्र की गरिमा के नाम पर किस प्रकार अत्याचार एवं मानवीय हिंसा को अंजाम दिया गया। महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था राज्य हिंसा का संगठित एवं केंद्रकृत स्वरूप है। मेरे विपक्षी वक्ता जिस कृत्रिम बुद्धि की बात कर रहे हैं उससे लैस तकनीक किसी गरीब मुल्क जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, इथोपिया या उज्बेकिस्तान के पास नहीं होगा, बल्कि वह तकनीक होगा आर्थिक रूप से सबल पश्चिमी देशों के पास। और पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र की बहाली के नाम पर मध्य एशिया एवं अलग अलग देशों, अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार के मानवीय हिंसा को अंजाम दिया है, इससे हम सब जमीन नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं। धन्यवाद। सभी से शांति की आशा है और माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विषय के विपक्ष में मेरे विचार कि मान्यवर, जब तक कोई भी तकनीक व मत किसी भी समाज की मानव जाति की महत्वाकांक्षाओं, आशाओं, उसकी कल्पनाओं व क्षमताओं की जान बचाते हुए उनका संरक्षण करते हुए आगे बढ़ती है तथा बाद में ले जा करके उनका नाश कर देती है, तब तक वह तकनीक व माध्यम उस मानव जाति के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। परंतु अध्यक्ष महोदय, जब वही तकनीक व माध्यम मानव जाति का बुद्धि का विकास करते हुए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, उष्मान, गतिमान व उन्मान के क्षेत्रों में प्रगति प्रदान करती है, तब तक वही तकनीक व माध्यम मानव जाति के लिए विकास का वरदान साबित होती है और आज कृत्रिम बुद्धिमता इसका जीता जागता व ज्वलंत उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, जिस कृत्रिम बुद्धिमता का विकास समूचे संसार की मानव जाति की उत्तर जीविता की सुलभता व उसकी सजगता का केंद्र बन गया हो, जिस कृत्रिम बुद्धिमता का विकास इस मानव जाति को अपने चरम पर ले जाकर उसके आविष्कारों से उसका लाभ कराने का क्षेत्र बन गया हो तथा जो हर प्रकार के विरोधाभासों की बाधाओं को लांघ करके उन्नति, ऊर्जा व विकास की वर्षा करने वाला इंद्र बन गया हो, तब ऐसे में यह मानव जाति के लिए हानिकारक कैसे हो सकता है महाशय? महाशय, वर्ष 2008 के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि इस विश्व के 83% उद्योगपति तथा सूचनात्मक तकनीक अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता निवेश का सबसे उचित स्रोत माना गया। जेन्यूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार रिटेल अर्थात खुदरा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किया जाने वाला खर्च 2018 में 1,60,87 करोड़ से बढ़ करके वर्ष 2022 में 5,27,40 करोड़ तक हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार एक क्विंटल के आंकड़ों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्वास्थ्य बाजार $6.6 बिलियन तक होने की आशा है और इसी के साथ नैदानिक स्वास्थ्य अर्थात क्लिनिकल हेल्थ अनुप्रयोग 2026 तक अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा अर्थव्यवस्था में या $150 बिलियन की वैश्विक बचत का निर्माण करेगा। तो महाशय, यदि यह वास्तव में मानव जाति के लिए हानिकारक होता तो क्या इतने बड़े स्तर पर किया जाने वाला निवेश संदेह का सवाल नहीं बन गया होता? हालांकि यह निवेश किसी भी प्रकार से संशय का विषय नहीं है, परंतु मेरे पक्षियों की बुद्धि पर संदेह अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि महाशय, इस विषय के पक्ष में दिया जाने वाला एक एक तर्क मेरे विपक्षियों के निराशावाद तथा उनके मानव द्वेषावाद, उनके अवसाद तथा अंधकार तथा उनकी पाखंडता को प्रकट करते हुए दिखाता है कि एक वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की अवहेलना करते हैं तथा दूसरी ओर वे मानव जाति के विकास की कामना करते हैं। और महाशय, इनकी इसी वैचारिक विकलांगता पे मैं हार कर विवश हो जाती हूँ यह कहने पर कि ये ऐशो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं। ये ऐशो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल के सुर का ज्ञान नहीं झनकार की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 18वीं शताब्दी में आई औद्योगिक क्रांति के समय भी ऐसा ही विरोधाभास फैल रहा था। जेम्स हार्ग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जेनी के निर्माण के बाद मजदूरों में उनकी रोजगार छूटने का भय इतना बढ़ गया कि महिला कर्मचारियां मिल में घुसकर मशीन को तोड़ डालती हैं। परंतु महाशय, यह कहानी का केवल एक भाग है। इसका दूसरा भाग तब शुरू हुआ जब स्पिनिंग जेनी
शैली के इस्तेमाल से धागे का उत्पादन इतना बढ़ गया कि उसकी कीमतों में भारी गिरावट दर्ज करी गई। इसके परिणाम स्वरूप कपड़ों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण समाज का गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों के तन को ढकने के लिए कपड़ा खरीदने के योग्य हो गया और अंततः कपड़े व धागे की मांग इतनी बढ़ गई कि सैकड़ों नए रोजगार उत्पन्न हुए। महाशय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ष 2007 में दर्ज की गई, जब आदम नामक रोबोट ने खमीर के 9 सटीक परिकल्पनाओं की भविष्यवाणी करते हुए 19 जीनों की छानबीन की तथा ईव नामक रोबोट ने यह पता लगाया कि ट्राइक्लोशन, जो कि टूथपेस्ट का एक सामान्य घटक है, मलेरिया के परजीवियों का मुकाबला कर सकता है। फॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार जापान ने एक ऐसी सैटेलाइट का निर्माण किया जो कि प्राकृतिक आपदाओं को पता करके लाखों करोड़ों की जान व माल की रक्षा कर सकती है। और इसी प्रकार यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटो पायलट और तो लोको पायलट जैसे नवचार किए गए। तो महाशय, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किया जाने वाला प्रयोग मानव जाति की जान बचाने और उसकी जान का संरक्षण करने के लिए हो रहा हो, तब हमें यह मान लेना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किया जाने वाला विकास मानव जाति के लिए हानिकारक किसी भी रूप से किसी भी प्रारूप में सिद्ध नहीं होता। महाशय, यदि इस विषय पर इतनी बहस करनी थी तो काश की एक प्रश्न सुरेश मुनीर से पूछ लेना चाहिए था कि कांच के कारखानों में नंगे हाथों से काम करने से उसके हाथ किस प्रकार से गल जाते हैं। काश की एक प्रश्न हापुर के रासायनिक कारखानों में काम करने वाले उन मजदूरों से पूछ लेना चाहिए था कि आए दिन वे रोज किस प्रकार के जोखिमों से जूझते हैं। और काश महाशय, काश उस गली गली घूमकर नाले नालों गटरों सीवर प्लांटों तथा कूचों की सफाई करने वाले उन लोगों के परिवारों के परिजनों से पूछ लेना चाहिए था कि उनके घर का बेटा भाई पति व पिता करोड़ों बीमारियों के समंदर में डुबकी लगाकर कैसी कतारना की अनुभूति करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तीनों ही क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आविष्कारों की मांग करते हैं, परंतु इन बेबुनियादी मानव जाति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खींच के कारण हम हाथ बांधे तमाशा देखते रह जाते हैं। महाशय, इस बात में मेरे विपक्षी जो निर्धनता का हवाला देते हुए आए थे, वे शायद ये भूल जाते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अत्यधिक उत्पादन ही इसे गरीबों के दरवाजों तक पहुंचाएगा और इसके लिए हमें पुनः इस बहस को अभी के अभी रोकना होगा। और महाशय, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि सभा में उपस्थित मेरे सभी विपक्षी मित्र हर प्रकार से इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विपक्ष में सारी बातें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से ही लेकर आए हैं, जो कि इस बात को सार्थक करते हैं कि ये शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। ये शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। महाशय, ये बड़े अजीब लोग, ये बड़े अजीब लोग हैं जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारनामा तो है।